if you read them carefully you will clearly see that uh, the interpreters are so full of disrespect towards krishna that they have deliberately distorted the meaning of the verses in fact even where krishna says uh, buddhi that's there in the shloka the shloka contains the word buddhi ट्रांसलेटर भक्ति। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं मान लीजिए दो डॉक्टर हैं जो पहला डॉक्टर है मान लो उसने खूब सारी किताबें पढ़ी और खूब रिसर्च करी और वो सब पढ़ने के बाद उसने अपनी किताब लिखी और एक दूसरा डॉक्टर है उस दूसरे डॉक्टर ने ना कि सिर्फ सारी किताबें पढ़ी बल्कि कई दशकों तक उसने प्रैक्टिस करी असंख्य मरीजों का उसने इलाज किया कितने सारे ऑपरेशन किए कितने सारे अलग अलग सीनैरियोज देखे केसेस देखे हाँ, बड़ी बड़ी बीमारी को जो है उसने ठीक किया उसके बाद जो उसका एक्सपीरियंस है इतने दशकों का उस एक्सपीरियंस के साथ उसने किताब लिखी है आप किस डॉक्टर की किताब खरीदेंगे पहले वाले की कि दूसरे वाले की अफकोर्स दूसरे वाले की मैं तो दूसरे वाले की खरीदूंगा तो जो शिला हैं वो इस दूसरे डॉक्टर की तरह हैं उन्होंने केवल कुछ किताबें पढ़ के भक्ति को नहीं समझा है उन्होंने वृंदावन में रहकर बहुत इंटेंस भक्ति करी है भजन करे हैं कीर्तन करे हैं अध्ययन करा है भगवान के विरह में उनके प्रेम में कई कई दिनों रोए हैं इसीलिए शिला प्रोपात जब भगवान कृष्ण की भक्ति उनकी भगवत गीता का प्रचार करने के लिए दुनिया में निकले तो केवल दस साल के अंदर अंदर एक देशों में भगवान कृष्ण के मंदिर बन गए जब उन्होंने भगवदगीता लिखी अपने इस पूरा पूरे भक्ति के एक्सपीरियंस के बाद तो उस किताब को बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं बड़े बड़े जो हैं उन सब ने किया, उन सब सब ने ने किया उसकी तारीफ की आप आज भी के के अगर पीछे खोल के देखें तो बड़े बड़े दिग्गजों के वहाँ पे जो विद्वान रहे हैं उनके वहां पर वो भगवदगीता पढ़ने के बाद उनको क्या महसूस हुआ प्रभुपा जी को भक्ति वेदांता की उपाधि ऐसे नहीं मिल गई वेदांत यानी कि जिनको पूरे वेदांत का ज्ञान है और जिन्होंने उस ज्ञान को अपनी भक्ति के जरिए समझा है अपनाया है अपने जीवन में इसलिए उनको भक्ति वेदांत की उपाधि दी गई रूपा जी बहुत बड़े विद्वान थे क्या उनको नहीं पता था कि बुद्धि योग और भक्ति योग में क्या अंतर है फिर उन्होंने बुद्धि योग भक्ति क्यों लिख दिया कुछ तो कारण रहा होगा उस कारण को समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले इस चीज को हम समझें जिन्होंने समझना, समझना इतना भी आसान नहीं है और आजकल के युग में जब लोगों को बोलो कि पांच मिनट भगवान का नाम ले लो पांच मिनट भगवत गीता पढ़ लो तो बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है तो कैसे वो इतने सारे टॉपिक्स को समझेंगे तो अगर

कंक्लूजन है वहां से नजर ना हटने पाए कंक्लूजन है कि भगवान श्री कृष्ण और उनकी भक्ति वहां से नजर ना हटने पाए उस कंक्लूजन को कहीं वो लॉस्ट ना हो जाए इस बीच में इतने जटिल विषयों को समझने में वो चाहते थे कि चलता फिरता भी इंसान अगर भगवदगीता उठा के रैंडमली खोल के कोई एक पैराग्राफ कोई एक पेज भी समझ पढ़ ले तो उसको पूरी भगवदगीता का जो साध्य है और जो साधन है जो भगवान श्री कृष्ण है और भक्ति है वो एकदम क्लियर हो जाएगा प्रभुपात पूरी दुनिया में भगवदगीता का प्रचार कर रहे थे वो जान थे कि कलयुग में लोगों की क्या दशा है बहुत कम बुद्धि है पहली बात तो समय ही नहीं है समय निकाल के कोई पढ़ने बैठता है तो बुद्धि इतनी कम है कि उसको समझ में नहीं आता है गलती से समझ में आ जाए तो याद नहीं रहता है ऐसे लोगों का उद्धार कैसे करा जाए इसलिए उन्होंने ऐसी भगवदगीता लिखी कि जो गोल है भगवदगीता का किसी भी तरीके से वो मिस ना होने पाए अब एक दूसरी बात समझते हैं गीता के दसवें अध्याय के तेतीसवें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि सभी अक्षरों में वो आ जो आ है वो कृष्ण है आप कोई भी अल्फाबेट बोल के देखिए हर किसी अल्फाबेट में आ की आवाज आती है का खा गा मा फा ला आ जो है वो हर किसी के अंदर है यानी कि हर एक अक्षर के अंदर कृष्ण है हर एक शब्द के अंदर कृष्ण है हर एक वाक्य के अंदर कृष्ण है हर एक ग्रंथ के अंदर कृष्ण है हर एक टीका के अंदर कृष्ण है तो कोई भी शब्द कोई भी वाक्य कोई भी ग्रंथ पकड़कर अगर हम कृष्ण तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उस वाक्य को उस ग्रंथ को हमने ठीक से पढ़ा ही नहीं उसको हमने समझा ही नहीं इसलिए भगवदगीता के पंद्रह अध्याय के पंद्रवें वर्ष में कृष्ण कहते हैं विदेश चर्वर अहम ए वेद्यो यानी कि सारे वेद पढ़ने के बाद भगवदगीता पढ़ने के बाद उनको ही समझना है यही गोल है वो पढ़ने का सब कुछ पढ़ने के बाद आपने दुनिया भर की चीजें समझ ली आपने समझ लिया काल क्या है कर्म क्या है प्रकृति कैसे काम करती दुनिया भर की चीज़ें समझ ली लेकिन कृष्ण को ही नहीं समझ पाए कृष्ण को ही नहीं पकड़ पाए कृष्ण तक कैसे पहुंचना है यही नहीं समझ पाए तो यानी कि आपको समझे ही नहीं सारी मेहनत वेस्ट हो गई सारा प्रयास विफल हो गया हमको बात के एसेंस को पकड़ना है आप समझिए जैसे एक माता है कई बार माताएं जो एक गुस्से में अपने बच्चे को बोलती हैं कि तू बाड़ में चला जा मर जा जाके इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं ठीक है अगर कोई जो है भाव को ना समझे केवल माँ के शब्दों को समझे और उसका ट्रांसलेशन लिख दे कि यहाँ पे माता चाहती है कि उसका बेटा जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो और वो भाड़ में चला जाए तो क्या ट्रांसलेशन सही है नहीं है यहाँ पे माँ चाहती है कि उसका बेटा जो है ठीक से पढ़ाई करे उसकी बात को माने अपना स्वस्थ रहे खुश रहे अपना ध्यान रखे ये माँ का यहाँ पर इंटेंशन है उसको पकड़ना जरूरी है शब्दों के ऊपर ऊपर से नहीं समझना है आप समझिए अगर शब्दों को ही समझना होता है बात अगर सिर्फ संस्कृत की होती तो फिर आचार्यों की जरूरत क्या है फिर भगवान के भक्तों की जरूरत ही क्या है फिर तो यूनिवर्सिटी से किसी बड़े संस्कृत स्कॉलर को लेकर आओ उसको थोड़े पैसे दो बोलो भैया तुम ये भगवदगीता का ट्रांसलेट कर दो और वो कर देंगे और ऐसा हुआ है बहुत लोगों ने संस्कृत का ट्रांसलेशन किया गीता में किसको फायदा हुआ न लिखने वाले को हुआ न पढ़ने वाले को हुआ तो जब शिला प्रोपात बोल रहे हैं कि बुद्धि योग जो है वो भक्ति योग है तो एक्चुअली में वो भक्ति योग ही है अगर आप समझिए बुद्धि का क्या बुद्धि योग का क्या मतलब है बुद्धि योग कोई ज्ञान योग या कर्म योग की तरह नहीं है बुद्धि योग का सिंपल सा मतलब है कि हम भगवान तक कैसे पहुंचे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी बुद्धि का अगर हम सही में इस्तेमाल करें तो हम देख सकते हैं कि भक्ति के जरिए ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं तो बुद्धि योग और भक्ति योग में कोई अंतर नहीं है तो बुद्धि योग को अगर भक्ति योग लिख भी दिया आसान तरीके से तो ज़्यादा सही ना बजाय तुम तो वहां पर बुद्धि योग लिखोगे आधे लोगों को समझ नहीं आएगा कि बुद्धि योग क्या चीज़ हो गई अब अब बुद्धि योग अलग है ज्ञान योग अलग है कर्म योग अलग है ये अलग है वो अलग है कितने लोगों को समझ में आएगा तो इसलिए चीज़ों को सरल रखा जाए जो समझने की बात है वही समझा जाए इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसा किया है और प्रभुपाद जी की भगवदगीता काम करती है कि नहीं करती है ये हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है भगवदगीता का क्या वो भगवदगीता पढ़ने के बाद लोगों के अंदर वो रिज़ल्ट आ रहा है जैसे कि गीता का जो सारांश है वो ये है कि भगवान कृष्ण जो हैं वो परम भगवान हैं और उनकी भक्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है तो क्या प्रोपा जी की भगवदगीता पढ़ने के बाद लोग ऐसा कर रहे हैं

सारांश जो है वो किसी तरह से पता लग जाए किसी तरीके से वो सही रास्ते पे आ जाए ये जानते हुए भी कि लोगों की कितनी बुरी हालत है कलयुग में तब भी वो लोगों का उद्धार करना चाहते थे इस भाव से जो है उन्होंने भगवत गीता लिखी है इसलिए आचार्य प्रशांत जी से भी और सभी लोगों से जिनको ऐसा लगता है कि इसको उनकी भगवदगीता की ट्रांसलेशन गलत है मेरा मेरा उनसे अनुरोध है कि आप एक बार पुनर्विचार कीजिए जो उसका पर्पज़ है भगवदगीता का उसको समझिए और प्रभुपाद जी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कितनी बड़ी दया है हम सबके ऊपर उसको समझिए हरे कृष्णा